रॉयड वेलकम बैक अगेन एंड हम जहाँ पे करने वाले हैं आपका सोशल साइंस का पेपर कंटिन्यू ऑलरेडी हम पहले दो वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपका सोशल साइंस का डिस्कस किया था ठीक है फर्दर मैं क्लैरिफाई करता चलूँ हम एक्चुअल में जहाँ पे कर रहे हैं मॉडल पेपर डिस्कस मॉडल uh, पेपर हम कर रहे हैं डिस्कस एट्थ क्लास के एंड अगर आप पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप जाएँगे वहाँ आप वो मिलेगी क्लास एट्थ नाम से एक प्लेलिस्ट जिसके अंदर हमने दूसरे सब्जेक्ट्स की जो डिटेल्ड वीडियोस हैं सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के वो अपलोड कर चुके है, हैं एंड कुछ बजे हैं हम करेंगे बड़े यार हाँ तो आपने क्या करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे तो सबसे पहले आपके ही मोबाइल पे फ्लैश करेगी एक तो जय हुई रस्मी बातें बट लेट्स हैड हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की सेक्शन सी जो आपका होता है इसके अंदर अगर मैं ऊपर जाऊँ एंड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ एक वर्ड लिमिट और मार्क्स क्यों क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एंड ये डिसाइड करते हैं कि आपको आंसर कितना लंबा लिखना है तो सेक्शन सी के क्वेश्चन आपके तीन मार्क्स के होते हैं ठीक है, है ना एंड यहाँ पे आपको छ क्वेश्चन दिए जाते हैं लेकिन करने आपको सिर्फ चार हैं ठीक तो वर्ड लिमिट जो है वो आपको रखनी है 40 से 50 वर्ड के बीच में ठीक है ना ना इससे कम नहीं होनी चाहिए ना इससे ज्यादा होनी चाहिए ठीक है ज्यादा होना ज्यादा है हानिकारक है मेरे करीब ठीक है तो चलिए आते हैं एंड जहाँ पे आपका इंटरेस्टिंग हम डिस्कस कर खराब हो गया क्या नहीं तो चलिए सेक्शन बी तो हम डिस्कस कर चुके हैं पता नहीं क्यों सामने आ रहा है बट हम आ रहे हैं सेक्शन सी पे ओके okay. मैंने एक चीज़ आपको कल भी कही थी कि अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो बेटा फिर घबराया नहीं करते बिकॉज इस बड़े क्वेश्चन में ना कुछ इतना कुछ है नहीं बट जस्ट जो आपको हिंट दे रहा है कि चीज़ें किस तरह से क्या है चलिए इन नाइन्टीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ इन नाइनटीन सेंचुरी मैनी रिफार्मर्स मैनी रिफार्मर्स इन इंडिया डिस्क्राइब्ड सर्टन प्रैक्टिस लाइक द कस्टम ऑफ सती चाइल्ड मैरिज दे दो हुज एवल्स ठीक कह रहा है कि नाइनटीन सेंचुरी जो है उसके टाइम पर बहुत से रिफार्मर्स ने पाया कि इंडिया के अंदर बहुत सी एवल्स प्रैक्टिस एवल्स का मतलब होती है अनएक्सेप्टेबल जिनको जो है जो साइंटिफिक आपस में ना हो खराब जो प्रैक्टिस जो है बुरी प्रैक्टिस जो चल रही थी नाइन्टीन सेंचुरी के अंदर सोसाइटी के अंदर जिस तरह का सती का कस्टम था चाइल्ड मैरिज का था विडोहुड का था ठीक है ना तो बहुत से रिफार्मर्स ने उसके बारे में बात की है ए सर्टन एनी वन सच एवल दैट इज स्टिल प्रैक्सड कह रहा है कि आपने कोई ऐसा एवल बताना है जो आ, आ, कोई ऐसा जो बुरी चीज जो अनएक्सेप्टेबल चीज है बताने का जो आज भी प्रैक्टिस की जा रही हो ओके सजेस्ट हाउ इट कैन बी एरेडिकेटेड एरेडिकेटेड का मतलब होता है खत्म होना सजेस्ट so कह रहा है सजेस्ट करो कि ये कैसे खत्म हो सकती है ठीक है चलिए ये एवं क्या चीज कह रहा है इस चीज को बारे, बारे में हम थोड़ा समझते हैं फिर आगे मूव करते हैं नाइन्टीन सन्चुरी तो मैंने कहा था कि 1800 प्लस के सालों को कहते हैं हम नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन सेंचुरी अप टू नाइनटीन ठीक है ना इस टाइम फ्रेम को हम कहते हैं नाइनटीन सेंचुरी उस टाइम में क्या था ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे एंड इंडिया की सोसाइटी के अंदर बहुत सी गलत चीज़ें थी जिस तरह सती वाली चीज़ थी सती वाली चीज़ अपने आप में एक एवल मानी जाती है गलत मानी जाती है वाई सती क्या होता है सती फॉर एग्ज़ाम्पल होता है ये एक हस्बैंड है ए ये एक वाइफ है हस्बैंड क्या होता है जिन दो लोगों की शादी होती है तो ठीक है ना ये जिस तरह से मर्द है एंड ये औरत है इन दो की आपस में शादी हुई है ठीक बट हुआ क्या अब कुछ टाइम के स... बाद एक साल के बाद ऐसा होता है कि जब इस हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया इसकी डेथ हो गई हस्बैंड डेथ हो गई अब क्या करते थे लोग जब हस्बैंड को क्या करेंगे हस्बैंड को जलाएंगे जो डेड बॉडी होती है हिंदुज़म के अंदर उसको वरन किया जाता है ना उसको जो है उसको जलाते हैं तो इन दैट केस तब क्या हुआ जो वाइफ थी ये वाली वाइफ सपोज तो इस वाइफ को भी धकेल देते थे इस आग के अंदर इसे ज़िंदा होती थी लेकिन इसको इस आग के अंदर जो है धकेल देते थे ठीक इस चीज़ को हम कहते थे सती अब सती अपने आप में गलत चीज़ है बहुत से लोग मानते हैं ठीक है ना बहुत से लोग मानते हैं कि सती अपने आप में गलत है जो वेदा है ठीक है वेदाज होती है रिलीजियस बुक्स वो भी मानती है उनके अंदर भी लिखा है कि सती गलत है ठीक इस तरह से बड़ी जो ब्राह्मण्स हैं जो बड़े शास्त्र से उपनिषद से ठीक है, है इस तरह से जो बड़ी रिलीजियस किताबें है वो सती को जो है निखारती है मगर सोसाइटी के अंदर जो गलत चीज़ थी तब ठीक है तो इस तरह से चाइल्ड मैरिज एक और ख़राब चीज़ है सोसाइटी के अंदर चाइल्ड मैरिज क्या होता है चाइल्ड मैरिज होता है कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह आ, कोई बच्चा अब बच्ची नौ साल की हो कोई आठ साल की हो आ, कोई दस साल की हो कोई सात साल की हो कोई ग्यारह साल की हो तो ये शादी की एज नहीं होती ये बच्चों की खेलने की एज होती है बट इसमें भी बच्चों की जो है शादी करवा देते थे ठीक है ना तो इसको हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज इस तरह विडोहुड विडोहुड क्या होता है विडोहुड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर हस्बेंड है वो किसी बीवी जो है कोई लड़की है उसका पति उसकी डेथ हो उसके पति की डेथ होगी तो फिर उस लड़की चाहे कितनी भी जंग हो चाहे उसकी शादी को एक महीना हुआ था एंड उसके पति की डेथ होगी लेकिन आप उस लड़की से शादी नहीं करते इसको कहते वेडो खूड ठीक है ये गलत गलत चीज़ें तब उस जमाने में थी अब क्या है कि आप सडन करिए आप बताइए हमें कि कोई ऐसी जो है तब की बुरी चीज़ जो आज भी सोसाइटी के अंदर हो आपको इनमें से क्या लगता है कौन सी बुरी चीज़ है जो आज भी सोसाइटी के अंदर है आई एम श्योर आपने एक ये वाली चीज़ नोटिस की होगी चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज जरा आप गौर से देखें आपकी सराउंडिंग में कितने ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी शादियाँ करवा दी गई है तो ये आपने आप में एक गलत बात का है ये चीज़ आज भी होती है हालांकि हमारा ला कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो बच्चे 18 साल से नीचे की लड़की नहीं होनी चाहिए ठीक है ना अगर 18 साल से नीचे की किसी की शादी होती है तो हम हाँ उसको कहते हैं बच्चों की शादी है जी ठीक है तो ये वाली चीज़ आज भी जो है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी अठारह साल के नहीं होते उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो ये वाली चीज़ सोसाइटी के अंदर आज भी है चलिए तो हम इसको आंसर में लिखेंगे और हमें फिर बोल रहा है सो जस्ट हाउ इट कैन बी एरेडिकेटेड और हमें बताना है कि इसे किस तरह से जो है ख़त्म हो सकती है चलिए बट हम आंसर कैसे लिखेंगे ओके तो लेडमी का मेर यहाँ पर हम गए हमारा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है यह है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तो क्वेश्चन नंबर 70 है ना है एंड 17 का हमें लिखना है आंसर ओके सो ऑलराइट तो क्या लिखेंगे कि हमें क्या बोल रहा है जहाँ पे ये बोल रहा है अ एनी वन सचुअल दैट इज स्टिल प्रैक्टस्ड सो जस्ट हाउ इट कैन बी एरेडिकेटेड ठीक है तो सबसे पहले हम आ, जो है यहां पे हम लिखेंगे कि ये जो नाइनटीन सेंचुरी थी ठीक है उसके अंदर बहुत से जो रिफार्मर्स थे उन्होंने जो है काम किया है ये एवल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने का बट हम उसको लिखेंगे तो उससे क्वेश्चन बड़ा होगा जस्ट हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं इस चीज़ से ठीक है एवल्स एवल्स प्रीवेलेंट प्रीवेलेंट जूरिंग नाइनटीन्थ सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के अंदर क्या है? जो इवल्स थे वो थे सेंचुरी तो ठीक है आप इसको इस तरह से लिख सकते हो मैंने ऐसा शायद पहले भी आपको बताया था एवल्स जो नाइनटीन्थ सेंचुरी थी उसके अंदर क्या एवल्स थे जिस तरह से इवल था चाइल्ड मैरिज तीन तो उधरी लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज था एवल ठीक है और क्या था विडोहुड वि विडो होड़े केवल था और क्या एवल था ठीक है गैस कैस तीनों तो इसमें ने ही लिखे हैं सती ठीक है ना एक केवल था और क्या एवल था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक केवल था डिस्क्रिमिनेशन जात पात थी ठीक है ना और क्या एवल था गैस करिए ठीक है और जस्ट जस्ट थिंक क्या क्या एवल थे तब इस तरह से एवल था पॉलीगेमी, ठीक है ना पॉलीगेमी एक जो है तब ईवल था आपको सोसाइटी के अंदर प्रीवेलेंट था ठीक है तो ये वाले कुछ ईवल्स थे आप इसके अलावा और भी बहुत से जो है लिख सकते हैं आइडल वॉरशिप लाइक अदर अदर थिंग्स जो है आप हिवल्स में लिख सकते हैं बट तीन तो उसने उधर ही दे रखे है जहां पे आपने एक दो और लगा दिए तो हो गया आपका जहां पे जी आपने लिखा ठीक है अब आपको क्या बताना है आप आइडेंटिफाई एनी सच क्वेश्चन वाले ने हमें क्या कहा है एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन जो है जहाँ से शुरू होता है कहाँ से असर्टन असर्टन वन सच इवल दैट इज स्टिल प्रैक्टिस चलिए तो हम किसके बारे में लिखेंगे चाइल्ड मैरिज तो इस तरह से हम लिखेंगे चाइल्ड मैरिज इज एन एवल दैट इज स्टिल प्रैक्टिस प्रैक्टिस ठीक है तो चाइल्ड मैरिज मैंने लिखा है एक एवल है जो आज भी प्रैक्टिस होता है तो चाइल्ड मैरिज मैंने जहाँ पे लिखा है नया तो मैं इसको इस तरह बक्स में रख दूंगा एग्जाम को पता चलेगा इसने कोई चीज लिखी है ठीक है तो चलिए अब इसने इतना हमने लिख दिया अब इसने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है तो हमें क्वेश्चन के तहत देखना हमें नहीं देखना हमने बुक में क्या याद किया है जस्ट क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है सजेस्ट हाउ इट कैन बी एरेडिकेटेड सजेस्ट हाउ इट कैन बी एरेडिकेटेड तो इसको हमने लिखा है चाइल्ड मैरिज इज एने दैट इज स्टिल प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो हम इसको थोड़ा और लिख सकते हैं मैनी पीपल मैनी पीपल पीपल मैनी पीपल क्या लिखेंगे हम मैनी पीपल मैरी Their children before the age of 18 एक चीज मैंने और लिख दी कि बहुत से लोग जो है आज भी क्या करते हैं अठारह साल से काम के बच्चों की शादियां करवा देते दे हैं ठीक है अब दूसरा हमारा क्वेश्चन का पार्ट है कि सजेस्ट सजेस्ट सम सम ये वाला क्या है सुजस्ट हाउ इट कैन बी एरेडिकेटेड तो हम इसको लिखेंगे कि अब हमें क्या जो है सुजेशन फॉर अरेडिकेशन सुजेशन 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 एरेडिकेशन सुजेशन फॉर अरेडिकेशन तो चलिए क्या सुजेशन है आपके पास देखो सुजेशन फॉर अरेडिकेशन जो क्वेश्चन में से ही मैंने हेडलाइन उठाई एंड यहां पे लिख दी अब मुझे क्या सजेशन देने हैं ठीक है क्या सजेशन मैं लिखूंगा स्प्रेड अवेयरनेस अवेयरनेस अमंग सोसाइटी अमंग सोसाइटी ये वाली लाइन आप याद रखने कहीं पे भी लिख सकते हैं स्प्रेड अवेयरनेस अमंग सोसाइटी रिगार्डिंग रिगार्डिंग डिमेरिट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज के क्या क्या जो डीमेरिट्स हैं क्या क्या नुकसान हैं उनके बारे में सोसाइटी को अवेयर करो ठीक है ना स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इंप्लीमेंट शन ऑफ लॉ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मैंने दूसरा कहा कि जो कानून है उसको सख्त तरीके से लागू किया जाए ठीक है ना तीसरा हम क्या लिख सकते हैं इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन तो पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन फॉर एरेडि पार्टिस रेडिकेशन के लिए हमें पब्लिक लोगों को जो है इनकलूड करना पड़ेगा ठीक और आपके पास क्या आइडिया है किससे आप कर सकते हैं ठीक है ना ठीक जे वाले कुछ हमारे पास है इसके आ, मीडिया का हम यूज कर सकते हैं, यूज मीडिया ठीक है इस तरह से हम जो है मुक्ति क्रेवां हो सकता है हमारे पास या नुक्कड़ नाटक ड्रामे से हम लोगों को बता सकते थे बट हमें एक दो लिख रहे हैं तो मैंने दो तीन लिख दिए चलिए तो अब हमें जो है इसमें हमें कितने लिखने थे हमें लिखने थे चालीस से पचास वर्ड तो हम देखते हैं हमने लिखे कि नहीं लिखे ठीक है हम कम लिखें तो ठीक है लेकिन ज़्यादा ना लिखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस चो� पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस, पैंतीस छत्तीस तैतीस अठतीस उनतालीस चालीस इकतालीस पैंतालीस अड़तालीस छतालीसलीस अड़तालीस उनचास उनचास पचास फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर तो ठीक है हमारे पास तीन पॉइंट में भी सफिशंट हमारा आंसर हो जाता है ठीक ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें जो है पचास वर्ड से ज्यादा ऊपर का आंसर नहीं लिखना अगर हम लिखेंगे तो हमें उसके एक तो मार्क्स नहीं मिलेंगे और हमें जो बैड हैबिट डेवलप हो जाएगी हमेशा याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योति राव फूले क्रिटिसाइज कास्ट इन इक्वालिटी इन सोसाइटी डू यू एग्री विद हिम जस्टिफाइज योर जस्टिफाइज योर रिस्पॉन्स ठीक है के ज्योति राय ज्योति राव फूले जो थी ठीक है ना ये इसने जो है इसने अटैक इसने क्रिटिसाइज किया कास्ट इन जो सोसाइटी के अंदर थी तो ये जो है इसने इसको ज्योति राय ने इसको क्रिटिसाइज किया है ठीक है ना डू यू एग्री विद हिम आप उसके साथ एग्री करते हैं जस्टिफाइज आर रिस्पांस आप अपने रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करिए चलिए ज्योति राव फूले जो था आ, ये एक नाइनटीन सेंचुरी के अंदर एक एम्पॉटेंट पर्सन रहा है जिसने सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक अपना अहम किरदार अदा किया है ठीक है एंड इसने जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेनेस्ट बोला ठीक है ना एट दैट टाइम क्वेश्चन नंबर हमारा एटीन है तो हम क्या लिखेंगे कि ज्योतिबाई फूले जो है इसने जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया ठीक है ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या थी कि जिसके अंदर ब्राह्मण्स जो थे ब्राह्मण्स दलित्स पे क्या करते थे जुल्म थे एंड उनको जो है निचले दर्जे का मानते थे उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे भेदभाव करते थे ठीक कौन ब्राह्मण्स तो ज्योतिराव राय फूलो ने क्या कहा ज्योतिराव राय फूलो ने कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं ब्राह्मण्स एक्चुअल में आर्यनस हैं आर्यन वो लोग हैं जो इंडिया के रहने वाले नहीं थे ब्राह्मण्स जो हैं वो आर्यनस के और आर्यन आए हैं कहाँ से सेंट्रल एशिया से मतलब के जो ब्रह्मन्स हैं जो इस वक्त भेदभाव कर रहे हैं दलित लोगों के साथ एक्चुअल में वो जहाँ के इंडिया के हैं ही नहीं वो कहाँ के हैं वो बाहर के हैं दूसरे जो इन्वेडर हैं ठीक है ना इन्वेडर्स के अब वो इंडिया के अंदर आ, इंडिया के अंदर आकर दलत पे हुकूमत कर रहे हैं इसलिए जो है आ, उनका कोई हक नहीं बनता कि जहाँ के लोकल लोगों के नस्ट जो है इस तरह कास्ट इनइक्वालिटी की ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको करें तो ठीक तो अकॉर्डिंगली जो है वो अपने इनके खिलाफ अगेंस्ट बोलती है तो हम लिखेंगे कि ज्योति राव जो फूले था ज्योति राव ज्योति राव फूले अटैक्ट अटैक्ट दि ब्रह्मन ब्रह्मन सुप्रियोरिटी

और नोट दीजनल एक्चुअल में मुझे लगता है अगर हम इस तरह से लिखते रहेंगे तो इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ऑनबोर्ड लिखने से तो बेहतर होगा मैं इसका क्या करूँगा मैं इसकी आपको पी डी एफ बना के जो है अपलोड कर दूँगा एंड आप जो है उसको आप देख सकते हैं आई थिंक वो बेटर रहेगा हम जो है एक पी डी एफ के कंटेक्सट में इसको करेंगे चलिए लेट मी लेट मी राशक एक एक का मैंने दिखा दिया आपको लिखना कैसे है जस्ट जो है बाकी आ, हम इसको करते हैं एक थर्ड पार्ट लाते हैं उसके अंदर हम उस तरह से करेंगे इस तरह से ये लिंक थी पड़ेगा आपका भी टाइम वेस्ट होता है इसमें एंड इसमें दिक्कत आ रही आई थी